हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, और शॉर्ट शॉर्ट 5 मार्कर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में। क्या होता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, राइट? एंड प्लीज रिमेंबर टू नोट एवरी सिंगल पॉइंट दैट आई एम सेइंग, क्योंकि वो आपको एग्जाम में लिख करके आना है, राइट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो शब्द है कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की थी, तो हम लोगों ने बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करी और हमने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हैं और वर्ड यूज किया गया है कॉम्बिनेशन। ओके, वी आर कंबाइनिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे? जिनके पास सेम और नियरली सेम एनर्जी है, राइट? जिनकी मॉलिक्यूलर एक्सिस के आसपास सेम सिमेट्री है। क्या मतलब है इस बात? जैसे 1s एक एटम का दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, तो 1s 1s की एनर्जी सेम है। तो फिर नियरली सेम क्यों बोला गया सर? मान लीजिए कि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO मॉलिक्यूल बनाता हूँ, तो कार्बन का 1s और ऑक्सीजन का 1s, उनकी एनर्जी तो नियरली सेम हुई ना, इसीलिए सेम और नियरली सेम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सेस, मतलब एस ऑर्बिटल एस के साथ ओवरलैप करेगा, अगर पी जेड है तो पी जेड के साथ करेगा, पी एक्स है तो पी एक्स के साथ करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने बोला जी एस और पी आपस में जो है कंबाइन कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल है, यहाँ नहीं है, ठीक है? इसीलिए स्पष्ट बोला गया है सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सेस। इनफैक्ट इससे चीजें आसान हो जाती हैं। हमें पता है भाई SS ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, PZ PZ सिग्मा बनाता है, PX PX साइडवेज ओवरलैप करता है तो पाई बनाता है, PY PY साइडवेज ओवरलैप करता है तो पाई बनाता है। तो ये 4 बेसिक बातें हमने याद रख ली बस, राइट? गलती होने का चांस ही नहीं है। और ये जो है ये ओवरलैप करते हैं मैक्सिमम एक्सटेंट। मैक्सिमम एक्सटेंट का क्या मतलब है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप का एक्सटेंट ज्यादा होता है, एसपी का कम होता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी कर जाती है। हम यहां पर कहते हैं कि जितने भी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे सब में मैक्सिमम एक्सटेंट ही होगा, तो सबकी स्ट्रेंथ बराबर है, स्ट्रेंथ के बेसिस पर अलग अलग ना करें। आप वही जो बेसिक कंसेप्ट था कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई वीक होता है, उसी को याद रखें, ठीक है? तो मामला आसान है, मुश्किल नहीं हो रहा है, आसान है। लेकिन ये बातें जरूरी है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो एक लाइन ये और एक ये पॉइंट, ठीक है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं तो दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये लीनियर शब्द जो है, इसकी वजह से ये दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। क्यों? देखो बेटा, मैं बॉन्डिंग को हमेशा ऐसे समझाता हूं कि ये एक रैंडम प्रोसेस है, जैसे बॉयज के बीच में दोस्ती। अब दो लड़के मिलते हैं क्लास में, तो देखते ही दोस्त तो नहीं बन जाते, हो सकता है दोस्त बने, हो सकता है ना बने। अगर दोस्त बन गए यानी कि बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम दोनों दोस्त बन गए हैं, अब साथ साथ रहेंगे, राइट? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बेटा तुझे तो देख लूंगा, दुश्मन, या तो दोस्ती या दुश्मनी। तो जब दो बच्चे मिले तो हम दो ऑप्शंस लेके चल रहे हैं भैया, या तो बॉन्ड बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, 50-50% प्रोबेबिलिटी है। इसी को बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक? एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं और समझते हैं इस चीज को। देखिए, हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना N2,
तो ये कैसे बनेगा? तो हम बोलेंगे कि सर दो नाइट्रोजन के एटम जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करेंगे। हाँ, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। आप यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, पांच एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो बेटा इस नाइट्रोजन के भी पांच, इसके भी पांच ओवरलैप या कंबाइन किए, तो पांच और पांच कंबाइन करके कितने बन गए? 10। तो हमें यहां पर 10 ऑर्बिटल दिखाने होंगे, ठीक है, जिसमें से पांच होंगे बॉन्डिंग और पांच होंगे एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो देखिए ये 1s, ये 1s, SS ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा 1s। अब एंटी बॉन्डिंग शो करना है, कैसे शो करें? तो एक आसान सा तरीका है कि सिग्मा के ऊपर स्टार लगा दीजिए, ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो हम याद रखेंगे कि यह बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। इसी तरीके से फिर दोनों मिलकर के दो बनाए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह ऑर्बिटल है एटॉमिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो जैसा मैंने कहा था, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, पांच एटॉमिक ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन के, पांच एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के, कुल मिलाकर के 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, जिसमें से आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग दोस्ती करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनेगा एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये लोवेस्ट एनर्जी हुई, बिल्कुल ठीक। अब यहां तक हुआ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। अब सवाल ये उठता है कि सर हमने तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ पढ़ा था जहां पर हम ये बता रहे थे कि एक एटम दूसरे से अलग कैसे। तो सिमिलरली यहां मॉलिक्यूल के केस में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, मतलब भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पास है जितने इसके पास है, तो अब मॉलिक्यूल के पास तो टोटल उतने इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसके पास है 7, इसके पास भी है 7, तो N2 मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से ऊपर चलते थे और इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते जाते थे, यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिलअप करते चलेंगे, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ ये नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है, हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, 1s2 1s2, देखिए तो यहां पर भी आप उसी तरीके से फिलअप कर दीजिए, फिर 1s2 हो गया, 2s2, ये देखिए ये भी इसी तरीके से फिलअप हो गया, फिर 2px1, 2py1, 2pz1, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने दिखाया है यहां पर, एक एक इलेक्ट्रॉन हम भी दिखा देते हैं भाई यहां पर, राइट। कुल मिलाकर के 3+3, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप यहां से फिलअप करेंगे, देखिए ये दोनों ऑर्बिटल सेम लाइन पर बनाए गए हैं, इसका मतलब ये डी जनरेट ऑर्बिटल है, यानी कि इनकी एनर्जी बराबर है। तो जब भी डी जनरेट ऑर्बिटल को आप फिल करते हैं, हंड्स रूल का आपको यूज करना होता, याद रखेंगे। तो पहले ये पार्शियली फिल होंगे, फिर पेयरिंग होगी, ये देखिए ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा? 14, हाँ। तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 भर दिए गए। अब आप लोग बोलेंगे सर लेकिन ये तो खाली रह गए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, हमने लोवेस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भरना शुरू किया, जहां तक भरे गए वहां भर दिए। लेकिन सर फिर ये कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल बना या नहीं बना, है ना, स्टेबल है या नहीं है, बॉन्ड स्ट्रांग है या नहीं है? इसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है बॉन्ड ऑर्डर के अंदर। बॉन्ड ऑर्डर तक जाने से पहले एक शॉर्ट में बता देता हूं, फिर बॉन्ड ऑर्डर में मैं बताऊंगा कि अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा हुए तो बॉन्ड बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा हुए तो नहीं बनेगा, दोनों में बराबर हुए तब भी नहीं बनेगा, बॉन्डिंग में ही ज्यादा होने चाहिए, दोस्ती के चांस ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम काउंट कर सकते हैं। देखिए बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10 भाई टोटल 14 थे, बॉन्डिंग में 10 है तो एंटी बॉन्डिंग में 4 रहेगा, यानी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बनेगा, राइट, और एंटी स्टेबल होता है आप सब जानते हैं, राइट। तो ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, याद रखे बनाना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे जैसे बनाया गया। अब कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, अब बट ऑब्वियस सी बात है पूरा डायग्राम तो बार बार नहीं बनाया जाएगा, तो हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दो ट्रेंड आते हैं, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट बातें फिर से रिपीट कर दूं कि SS ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनाता है, PZ PZ सिग्मा बनाता है, PY PY PX PX पाई बनाता है, जो कि हमने यहां पर शो किया PX PY ये पाई बना रहा है, PZ सिग्मा बना रहा है, राइट, SS सिग्मा बना रहा है, ओके। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप से लिखा जाता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होने चाहिए, एक नाइट्रोजन के पास 7 दूसरे के पास 7 टोटल मिलाकर के 14 होगा, तो 14 तक हमें ऐसे लिखना है। देखिए सिग्मा 1s लेसर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s, यहां से देखिए सिग्मा 1s लेसर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s मोर इज हैविंग मोर एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s, देखो 2s की एनर्जी सिग्मा स्टार 1s से ज्यादा है, सिग्मा स्टार 2s की 2s से ज्यादा है, सिग्मा स्टार 2s की 2s से ज्यादा है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2bz की इनसे ज्यादा है, पाई 2bz के ज्यादा है, राइट। तो वही जो डायग्राम है उसको ऐसे लिख दिया गया, बात एक ही है, लेकिन एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये भी बनाएं और ये भी लिखें, दोनों चीजें, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अबव एटॉमिक नंबर 14 यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा चेंज आता है, ये पाई 2px पाई 2py जो है ये सिग्मा के बाद चला जाता है, ये देखिए ये सिग्मा फिर पाई 2px पाई 2py फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2p, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये 14 से 14 या 14 से नीचे एक ट्रेंड है, 14 से ऊपर दूसरा ट्रेंड, जिसको आपको याद रखना है, ओके। एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे N2 है, CO है, CN-NO+, सबके इलेक्ट्रॉन देख लीजिए टोटल 14 होंगे, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 प्लस 1 14, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 माइनस 1, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया, तो एक कम हो गया, 15 माइनस 1 इज 14, सारे 14 है। देखिए अब इसको काउंट कैसे करेंगे, 2 4 6 8 9 10 11 12 प्लस 2 14, मैंने बताया था ना अभी ये डीजनरेट ऑर्बिटल है ते ओबे हंट्स रूल, इसलिए यहां पर 2 2 नहीं लिखेंगे, 1 1 करके फिलअप करें, राइट, वही ऑर्डर जो यहां आपको बताया है वही यहां पर फिलअप किया गया है। 14 से अबव 15 की बात करें, O2 प्लस N2 माइनस NO, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहां पर पहले क्या आ गया, सिग्मा 2pz2, देखिए यहां बाद में आया है, यहां पहले आ गया है, पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1, समझ आ गई बात बेटा, इस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा, ओके। अब इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। जैसे यहां देखिए इस पूरे डायग्राम में कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक।
यहां पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर देखिए ये दिख रहा है, तो ये क्या हो गया पैरा मैग्नेटिक। तो पैरा मैग्नेटिक प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमने बनाए, जो मॉलिक्यूल बना वो कितना स्ट्रांग है। तो मैंने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर बताएंगे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन ABM। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हमने देखा जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन BMO 10, देखिए कैसे 10, 2, 4, 6, 8, 10, 10 और ये 4, ये 2 और ये 2, ये 4 हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। आप लोगों से पूछा जाता है कई बार क्या होता है, 5-6 मॉलिक्यूल दे देते हैं और आपको बहुत जल्दी आंसर करना, तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना, बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये। क्या देखिए, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे बॉन्ड ऑर्डर बाय 0.5 कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए फिर 0.5 कम हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए फिर 0.5 कम हो गया, एक और बढ़ा दीजिए इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, एक और कम कर दीजिए और कम हो गया, लाइकवाइज। के लिए चेक करेंगे तो आएगा सिंपल सा है, देखिए 14 के लिए हमने क्या निकाला था 3, 15 के लिए 2.5 है, चेक कर ले जरा, ये 15 ही है ना बेटा, तो यहाँ पर BMO कितना है, इलेक्ट्रॉन्स इन BMO कितना है बेटा, 2, 4, 6, 8, 10। एंटी बॉन्डिंग कितने है बेटा, 2, 4, 5 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 2.5। सिंपल, बस ये ऑर्डर याद रखिए, दैट्स इट, हो गया काम, राइट। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो अनस्टेबल है मॉलिक्यूल, अनस्टेबल, तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव है अनस्टेबल है, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो ये चारों चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन बताइए, मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइए, टोटल 5 मार्क के 5 क्वेश्चन, सीधी बात, एक एक पॉइंट आपको बताना है और बिल्कुल इसी तरीके से बताना है जैसे मैंने बताया। और ये जो मैंने ये लिखा है ना डायग्राम, देखिए जैसे नीटली लिखा गया ऐसे लिख करके आइएगा ताकि टीचर को पता लगे आपने क्या लिखा है, वरना बच्चे जो है वो खिचड़ी पका देते हैं, वो मत करिएगा, रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को, राइट, ठीक है। चलिए, तो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू स्कोर 5 out of 5, ठीक है। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, गिव योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स दीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल युवा इंस्टीट्यूट। गॉड ब्लेस, बाय बाय।